अच्छा, कल सर ने जो प्रोजेक्ट दिया था पूरा हो गया तेरा? हाँ, हो तो गया है, पर थोड़ा सा रह गया है, मैं कॉलेज में पूरा कर लूँगी। चल ठीक है। और तू बता, तेरा क्या हुआ? कहाँ यार, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ, तू क्या करेगी करकर? तुझे तो बॉयफ्रेंड से बात करने से ही फुर्सत नहीं है, दिन रात चुपकी रहती है फेविकॉल की तरह। तू क्या जाने प्यार क्या चीज़ होती है, जब करेगी ना तब पता चलेगा। मुझे नहीं करना, तू ही कर। वो सिट यार। क्या हुआ? अरे यार देखना, मेरा सैंडल टूट गया, अब मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। टेंशन क्यों ले रही है, आगे मौची की दुकान है, वहीं ठीक करा लेना। चल आप जल्दी, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। ये कहाँ है मौची? देख वो रहा आगे। हाँ दिख तो गया। चल घूर क्या रहा है, दिखाई नहीं दे रहा? मेरा सैंडल टूट गया, चल ठीक कर इसे। मैडम पहले अपना पैर नीचे करो, पहले मैं ये जूते साफ करूं, उसके बाद आपका सैंडल ठीक करूंगा। अच्छा बहुत बोल रहा है, तेरी औकात तो है नहीं इतना बोलने की। मैडम मैंने क्या ज्यादा बोल दिया, ज्यादा हिल दिया तो किसी और से आकर ठीक करवा लो। क्या कहा तूने, मेरा सैंडल ठीक नहीं करेगा? बेटा सैंडल तो तू ही ठीक करेगा, राजी राजी नहीं तो कुराजी। अरे छोड़ ना काजल, बच्चा ही तो है, क्यों मुँह लग रही है? अरे है ना, ये सड़क छाप लोग आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं, चाहे वो टैक्सी वाला हो या फूड डिलीवरी बॉय। ये लोग अपनी औकात भूल गए हैं कि इनको हमारे नीचे ही रह के काम करना है। चल आगे कहीं और ठीक करा लेना। नहीं सैंडल तो मैं इससे ही ठीक कराऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे से पीटना क्यों ना पड़े। मैडम तुम इससे बात करो, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, जो आपके सारों पे नाचूंगा। अच्छा बेटा तो तू अपनी हद पार कर रहा है, रुक कभी। अरे यार ये लड़की अपनी छोटू क्यों पीट रही है? क्या बात है मैडम, बच्चे को क्यों पीट रहे हो? क्यों, तू कोई कलेक्टर है जो तुझे बताऊं? मेरा मन किया मैंने पीट दिया, और अब फिर ज्यादा बोलेगा तो फिर पिटेगा। अच्छा अब आप इसे हाथ लगाकर तो दिखाओ, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। तू रोकेगा मुझे, मैं फिर से मारती। चल अब निकल यहाँ से, आगे से अपनी शकल भी मत दिखा देना। तू मामूली से इंसान, तूने मुझे थप्पड़ मारा, रुक तेरी औकात में तुझे अभी दिखाती हूँ। हिना मेरा फोन दे। हेलो सुनो वीर, यहाँ एक मोची ने मेरी बेइज्जती की है और मुझे थप्पड़ भी मारा, तुम जल्दी आओ। ओके ठीक है। यार राजे, हाँ भाई तो तात से पंगा हो गया, आना। अरे रोहिता क्या बात हो गई? अरे यार ये लड़की अपने छोटू को पीट रही थी। अच्छा बेबी कौन सा है वो जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा? इसने। साले तेरी इतनी मत कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा। साहब एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला मैं। साहब छोड़ दो इसे, इससे गलती हो गई। अगर आज के बाद तूने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं तेरी आंखें नोची लूंगा, समझा? चलो काजल निकलते हैं। यार काजल मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि बाहर अकेली मत जाया करो। बेबी मैं कॉलेज जा रही थी। मुझे बता दिया होता मैं ही छोड़ देता तुम्हें कॉलेज। रोहिता हमने तुझे कितनी बार समझाया कि इन बड़े लोगों के मुंह नहीं लगते, करवाली ने भेजी थी, पड़ गई ना ठंडक। भाई मैं इस बच्चे को पिटते हुए कैसे देख सकता हूँ यार। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तू इतना पढ़ा लिखा है, तेरे को ये काम शोभा नहीं देता। भाई पैसे की कमी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। देख रोहिता तू ठंडे दिमाग से सोच, कब तक इन अमीर लोगों के हाथों से पिटता रहेगा यार, हमसे तेरी बेइज्जती देखी नहीं जाती। कोई हमें मारे तो चल भी जाएगा क्योंकि हम तो अनपढ़ गवार हैं, हम तो इसी काम के लिए बने हैं, लेकिन तू नहीं यार। अब तेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे और इस छोटू को भी स्कूल भेजेंगे। लेकिन विकास। अब कुछ नहीं, जो विकास ने बोला है वो सही बोला है, कल से तुम दोनों
काम पर नहीं आओगे, अपनी अपनी पढ़ाई करोगे। चलो चलते हैं। आ छोटू चलते हैं। अरे यार, ये तो वही लड़का है जिसको काजल के बॉयफ्रेंड ने पीटा था। अभी बुलाती हूँ इसे। हेलो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? रोहितास। सुनो रोहितास, उस दिन मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी से बात की, उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं वो सब भूल चुका हूँ। हाँ, उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है ना, इसलिए घमंड करती है। और हाँ, तुम्हारे हाथ में ये किताबें कैसे? हाँ, वो मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसी किताबें लेकर आ रहा हूँ दुकान से। अरे वाह, तुम पढ़े लिखे भी हो, बहुत बढ़िया यार। लेकिन फिर तुम मोची का काम क्यों कर रहे हो? एक्चुअली पहले मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब कहाँ से आ गए? वो मेरे दोस्त मुझे पढ़ा रहे हैं। सही है यार, मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बेबी, हमारा होटल इस शहर का सबसे बड़ा होटल बन चुका है, तो मैं सोच रही थी कि हम एक और होटल खोल लेते हैं जिससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। हाँ यार, बोल तो सही रही हो, लेकिन मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी बिजनेस माइंड घूम रहा है। आखिर बेबी किसकी हो? बैठिए सर। वेटर, इधर आओ। जी बोलिए सर। सर बताइए, आप क्या खाना पसंद करेंगे? एक काम करो, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर ले आओ। ओके सर, अभी लगाता हूँ। ठीक है। रोहित, तुम्हें तो पता है कि कढ़ाई पनीर और दाल मखनी मेरी कितनी फेवरेट है। लीजिए सर। थैंक यू। एक मिनट सर, मैं पहले खाना चेक तो कर लूं। क्या यार, तू फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या बन गया? अब क्या हर जगह खाना चेक करेगा? सर आपको तो पता ही है कि खाना खाने से पहले मुझे चेक करना होता है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चल ठीक है यार, कर ले। देखिए सर, मैंने कहा था ना आपसे कितना रिफाइंड है इसमें। एक काम करो, वेटर को बुलाओ और पूछो उससे किस होटल का मालिक कौन है। जी सर। वेटर इधर आओ। जी सर। इस होटल का मालिक कौन है? मिस्टर वीर। बुलाओ ने। आई बुला। अरे यार, ये होटल से कॉल क्यों आ रही है? बात करता हूँ। सर आप होटल आ जाइए, आपसे कोई सर मिलना चाहती हैं। अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं अभी। ओके सर, अभी आ रहे हैं, आप बैठिए। काजल, हमें अभी होटल निकलना होगा, चलो। ओके। साले मोची, तू और तू क्या कर रहा है मेरे इस होटल में? चल निकल यहाँ से। ए, तमीज से बात कर, ये मोची नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर है। और याद करो उस दिन को जब तुम लोगों ने हमें बेइज्जत किया था, और जिस बच्चे को तुमने पीटा था वो बच्चा मैं ही हूँ, और तुम्हारे सामने मैं आज एक फूड सेफ्टी ऑफिसर बनकर खड़ा हूँ। क्या मिला रहे हो इन सब्जियों में जहर? ना जाने कितने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया होगा तुमने। सॉरी सर, गलती हो गई हमसे, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आगे से ऐसा होगा तो तब जब ये होटल बचेगा। सील कर दो इस होटल को। जी सर। और लेकर चलो जेल, पकड़ लो। चलो।
हे गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो यार, आप लोग बिना लाइक किए ही वापस चले जाते हो। और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। और जिसने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो। जिसको भी मुझसे बात करनी है मैं इंस्टाग्राम पर आप सभी की रिप्लाई जरूर दूंगा, तो जल्दी जाओ और फॉलो करो। यहाँ पर आपको मेरा लिंक दिखाई दे रहा है Rohitasrana21, जल्दी जाकर फॉलो करो। और हाँ, बिंजू ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।